अभिनेत्री जिनका पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, वो काफी भाजपा में यूपी में काफी पोस्ट पे रहे हैं। कभी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी इनके पास, आज स्किल डेवलपमेंट से पहले का एमपी है गाजीपुर से, और काफी योगदान है पूरे समाज में जो इनके कार्य हुए हैं। जो परिवार है उनको भी आगे करूँगा, थोड़ा सामने आ जाए। आज इस प्रतिमा का अनावरण 6 मई 2000 इस प्रतिमा का अनावरण होगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। लोग थोड़े थोड़े आ सकते हैं, चल रहा है सर। चलिए चलिए यहाँ से क्या उसको बोलना चाहिए वो आप लोग ने करके दिखाया है, और ये जो बलिदान है इनका, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं जो था मैंने फिल्म में दिखाया है, कम से कम ये तो है कि ये जो आज मूर्ति स्थापित हुई है, जो भी बच्चे यंग आएंगे देख के प्रेरित होंगे। हमने जो फिल्म बनाई है उसमें जब देखेंगे तो उनको शहीदी दिखेगी, पता चलेगी। आप सब लोग का प्यार जो है संजू साहब के लिए, उनका नाम को रोशन करें, आगे आने वाले बच्चों को उसे प्रेरणा मिले। और मैं क्या बोलूँ, थैंक यू। आज मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे लखनऊ अपरिहार्य जाना, मेरी 6:45 की फ्लाइट है, इसलिए मैं 20 से जा रहा हूँ, वरना पूरे समय सबसे मिलना जुलना और आदरणीय विवेक जी, आदरणीय वल्लभी जी को भी सुन करके उनसे अनुमति ले लिया हूँ। मैं केवल इतना ही आग्रह करूँगा, एक तो आप लोगों का पुनः इस बात के लिए अभिनंदन कि कश्मीर की गुमानियत, कश्मीर की प्रकृति, कश्मीर का आकर्षण, उसको लेके बहुत सी फिल्में बनी। किसी ने, मैं समय कम है वरना मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी में पीएचडी के साथ साथ मैं पत्रकारिता में भी एमजे हूं, और मेरा स्पेशल पेपर फिल्म जर्नलिज्म था, तो मैं कुछ विस्तार से उस पर विषय रखता, लेकिन हमारे पास समय का अभाव कभी। आप लोगों ने कई दृष्टि से जो फिल्म बनाई, कलात्मकता, विषय की प्रभावात्मकता, विषय को ठीक से, और उसके साथ साथ ये जो भारत में संदेश देने वाली फिल्में थी उनमें उच्च कोटि की फिल्म आ गई। और कश्मीर की जिस बात को मैं चर्चा कर रहा था कि उन चीज़ों को तो बहुत से लोगों ने थोड़ा बहुत उसमें आतंकवाद थोड़ा फूट डाल देते थे, लेकिन कश्मीर में जिस तरह का कुकृत्य इस धरती पर हुआ है उसने दुनिया को झकझोरा है, और उसको उस रूप में आप लोगों ने सजीव चित्रित किया है। आप सबके साथ अनुपम खेर जी का सम्मान से नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह जीवंत किया है, और उनकी सारे आपकी सारी टीम ने कहीं ना कहीं दुनिया में लोगों को कहने को ये विवश होना पड़ा है कि लगता है इससे भी ज़्यादा अत्याचार हुआ, ये बरबस लोगों के मुंह से निकला है। तो इस
स्तर की चीज निर्माण के लिए और इस पूरे देश के मानस को और मानवाधिकार की बात करने वालों को आईना दिखाने के लिए आप लोगों का मैं बहुत और आपकी पूरी टीम का बहुत। आज इस मौके पर मैं कुछ विषय आए पार्क के संदर्भ में मैं उसे गंभीरता से ले रहा हूँ, उचित जगह उसे कहूँगा ही नहीं, मतलब रेगुलर पहल करूँगा कि जिससे वो आकार। दूसरी बात, मैं आप सबके बीच में एक उन्नी किशन का संदर्भ दे करके जो हमारे आदरणीय वक्ता रख रहे थे विषय, तो उस बात को आप भरोसा रखें पूरी जिम्मेवारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर तक और प्रत्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी के सामने सब विषयों को मैं उपस्थित रखूंगा और वो उसकी जो पद्धति प्रक्रिया है उसमें निश्चित तौर पर आशा करता हूँ कि आपकी बात पहुँचाऊँगा और वो उस पर हमारी सरकार, क्योंकि हमारी सरकार आपकी सरकार सब आपकी बनाई सरकार है और आप सब महसूस कर सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने इन सारे विषयों से लगातार हम आप मिल के संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम हमारी सरकार के लोग हों, हमारी पार्टी के लोग हों, हमारे विचार के हमारे महाती संगठन के लोग हों, सब लोग लगातार इन मुद्दों को और आप सबके सहयोग और आपके लगातार संघर्ष, आपके बलिदान, उत्सर्ग, सबका प्रतिफल जिस रूप में तत्काल निकलना चाहिए तो नहीं निकला, लेकिन आज ये स्थिति तो देश और दुनिया में बनी है कि अब आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता और आपकी उपेक्षा करके कोई अब इस देश के अंदर व्यवस्था शासन चला नहीं सकता। ये हम आज नरेंद्र मोदी युग में, मैं आप सबको ये कहने में मुझे पूर्ण दृढ़ता से और निश्चित तौर से क्रम सफाने चल रही है, उसके परिणाम आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं सारी टिप्पणी नहीं कर सकता, आज की सुबह की अखबारों से लेकर के आप खुद महसूस करते होंगे, आगे और बेहतर चीज़ें होंगी। मैं इस मौके पर एक बार श्रद्धांजलि देते हुए श्री बालकृष्ण गंजू जी, उनके परिवारजनों, उनके प्रति श्रद्धा लगन रखने वालों को ये हम सब संकल्प लें अपने मन में और हम सब भरोसा दें कि हम उनका जो बलिदान था, जो समर्पण था देश के लिए, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गांव से निकला और वहीं पर गोली से खोल डाला। सतीश टिकू, पंडित सतीश टिकू जो फर्स्ट विक्टिम बना बिटकरा, जो आपने सबों ने सुना होगा, मेरी बहन सरला भट्ट जिसको आपने सुना होगा कि क्या हुआ, अपनी बहना गिरजा टिकू जो लैब असिस्टेंट थी उसके साथ क्या अन्याय हुआ, कैसे उसको दो हिस्सों में काटा। मैं ये सिर्फ अपनी इधर की पहले मैं सारी ये क्योंकि कम्युनिटी के सारे ये थे, मैं कम्युनिटी के लिए बोल रहा, मैं उसके बगैर जा नहीं सकता हूँ, इसलिए प्लीज बियर विद मी। फिर है जैसे जितने मेरे पास आए हैं बहना से कहते हैं एक तो असली ट्रोमा जिया है, अभी भी जी रहे हैं, लेकिन एक एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, हम लोग भी अभी तक ट्रॉमा में हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब कोई हादसा हमारे साथ होता है तो उस वक्त नहीं पता चलता, जब वो हो जाता है उसके बाद समझ में आता है। जैसे कार में सामने कुछ आ जाए और आप जोर से ब्रेक मार दीजिए, उस वक्त नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप बच जाते हैं, सब हो जाता है, तो दिल की धड़कने बढ़ने लगती हैं। आज जब मैं वहाँ ऊपर खड़ा था और उन्होंने बोला कि आप माला चढ़ाइए, अचानक हम तो अभी तक लगातार भाग रहे हैं, फिल्म कब बन गई, रिलीज़ हो गई, हमें पता ही नहीं चला, 24 घंटे हम लोग इस मैसेज को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन आज जब मैं माला चढ़ा रहा था तो मुझे आज समझ में आपकी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, अब तो मैं भी आप ही की कम्युनिटी का हूँ, और मुझे अभी भी बहुत दुख होता है कि कई लोग अभी भी सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके लिए जो हम करके हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, जो विक्टिम्स हैं उन सबके इंटरव्यूज़ लेके कश्मीर की जो शुरू से लेकर अब तक की जो कहानी है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो इतिहास है, जो जो उसका दर्द है, उसकी पीड़ा है, उसके ऊपर हम लोग एक बहुत ही विस्तृत डॉक्यू सीरीज़ बना रहे हैं, और मुझे आशा है कि अगले साल 19 जनवरी तक
वो डॉक्यू सीरीज भी आ जाएगी। फिल्में आती हैं चली जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक एकेडमिक मॉडर्न वीडियो किताब की तरह हो जाएगी। विश्व में कोई भी स्कॉलर अगर कभी कश्मीर पर रिसर्च करना चाहेगा, जानना चाहेगा, आपके बच्चे जानना चाहेंगे, मेरे बच्चे जानना चाहेंगे, तो ये डॉक्यू सीरीज जो है कश्मीर अनरिपोर्टेड के नाम से, वो मेरे ख्याल से बहुत सारे सालों तक, 100-200 साल तक लोगों को दिशा दिखाती है। मैं आज शहीद पी के गंजू जी को, जो आपने ये मूर्ति की स्थापना की है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं बस निवेदन करूँगा जो लोग यहाँ इसका मैनेजमेंट संभालते हैं, आप साल में एक या दो बार यहाँ पे जो यंग बच्चे हैं उनको बुला के कश्मीर के कल्चर पे अलग अलग तरह के इवेंट्स रखें, पेंटिंग हो, आर्ट हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, रखें, ताकि बच्चे आएँ और सिर्फ कश्मीरी नहीं और भी बच्चे आएँ और उस मूर्ति को देखें और बहुत सारी प्रेरणा इससे लें। इसी बात पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बताया कि इसके बाद हम एक डॉक्यू सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, तो एक तरह से 4 साल पहले जब हमने रिसर्च शुरू किया था और जिस तरह से आप सब लोगों ने हमें अपनाया, हमें वहाँ पे अमेरिका में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इनको विवेक अग्निहोत्री पंडित बोल दिया गया था और मैं पल्लवी जोशी कॉल बन चुकी थी तब तक। फिर मैं, मुझे तो दो लाइन और बतानी है। जब उनकी When he was assassinated, we met here Mr. George Fernandez, who was Minister of Kashmir Affairs. He said he was brave. We are proud of him. I recollect those words. He was hero of the country. But when we met late Mufti Mohammad Saeed, who was the Home Minister, we met him here. He said, ye cheeze hoti rehti hai, hum isko dekhenge, kya kar sakte hai. I will see the difference. It was instantaneously acknowledged by late Sri George Fernandez that he was a hero. He laid down his life for this country. He will be remembered as a great martyr. Those were his words. I am recapitulating those words. But what Mufti Mohammad Saeed said was deplorable.